गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में और मेनली हम लोग कवर करेंगे रिप्रोडक्शन का आज बेसिक कंसेप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है आज का, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ठीक है बच्चों। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है हमारे चैनल का नाम क्या है, कंसेप्चुअल विज्ञान। अब आप लोग देखते हैं ना, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका 10th में 11th 12th में बहुत अच्छा मार्क्स आता है, फिर भी उनका कंपटीशन नहीं हो पाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो पढ़ते ही इस तरीके से है कि एग्जाम में सिर्फ नंबर आ जाए, वो कंसेप्ट के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सब कंसेप्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो इसलिए आप जब भी पढ़िए आपको कंसेप्ट पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी हम लोग पढ़ेंगे साइंस तो उसमें हम लोग के पास तीन क्वेश्चन होता है, क्या, व्हाट, व्हाई और हाउ। ठीक है बच्चों, तो हमारा तो फर्स्ट क्वेश्चन यही हो जाएगा कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नोन एज रिप्रोडक्शन। आखिर ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसको रिप्रोडक्शन का नाम ही क्यों दिया गया, आइए वो देखते हैं। अब जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दो वर्ड से बना है, री प्लस प्रोडक्शन, जहां पे प्रोडक्शन आपका रूट वर्ड है और री क्या है, प्रीफिक्स है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, और उसको फिर से बनाना, पुनः प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब इसको बायोलॉजिकल बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बायोलॉजिकली, कि जो भी स्पीसीज है, जो भी बायोलॉजिकल स्पीसीज है इस धरती पे, वो तो पहले से एग्जिस्ट कर ही रहा है। अगर वो अपने जैसा पुनः निर्माण करे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन। दैट्स व्हाई द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर वन, यंग वन, ऑफ स्प्रिंग और बेबी इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन। इसीलिए हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन का नाम दिया। आइए अब इसके बारे में और देख लेते हैं छोटी मोटी बातें जो कि बेसिक कंसेप्ट से जुड़ी हुई है। अब ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर हम लोग रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करें, रिप्रोडक्शन को परिभाषित कैसे करें। तो बच्चों इसमें आपको ध्यान देना है कि कोई भी डेफिनेशन रटना नहीं है। जब आप वेरियस बुक पढ़ोगे तो आप पाओगे कि डिफरेंट बुक में जो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, सभी डेफिनेशन सही है तो आप अपना समझ विकसित करो, कॉन्सेप्ट विकसित करो और उसके आधार पे खुद आप उसका डेफिनेशन तैयार करो। तो अभी तक के जो भी लेक्चर हुआ उससे हम लोगों ने क्या सीखा, उससे हम लोगों ने सीखा कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी स्पीसीज जो पहले से इस अर्थ पे है वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग इसको कैसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबी, ह्यूमन के केस में क्या बोलते हैं, बेबी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, यंग वंस, या फिर इसको और में क्या बोल सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग, और भी बहुत सारा नाम है। Which are similar to itself, known as reproduction. इस तरह आसान शब्दों में बच्चों हम लोग रिप्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। The process of producing young ones is known as reproduction. It is a biological process by which any organism produces organism which is similar to itself is known as reproduction. आप concept समझ लो बच्चों, उसके बाद आप लोग कैसे भी define करोगे ना वो सही होगा। ठीक है, आइए इसको further देख लेते हैं। ये भी basic concept से ही जुड़ा हुआ है। जब भी हम reproduction का बात करेंगे ना बच्चों तो दो ही बात होगा, या तो इसमें सेक्स इन्वॉल्व होगा या सेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर सेक्स इन्वॉल्व हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर सेक्स नहीं इन्वॉल्व हुआ बच्चों तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्यों बोलते हैं बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये जो ए प्रीफिक्स है ना, ए प्रीफिक्स, इस ए प्रीफिक्स का मतलब ही होता है नॉट, समथिंग विच इज नॉट सेक्सुअल इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, अब आइए, अब यहाँ पे एक और बेसिक कंसेप्ट है जिसको मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, जहां बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है वो मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको।
बाद में हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे, अभी बेसिक बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारे पास तीन है, एक तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और तीसरा क्या है वेजिटेटिव। ठीक है, अब आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ। यहाँ पे सेक्सेस इन्वॉल्व होगा, यानी यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नेसेसरी है। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट यहाँ पे होगा ही होगा, अगर ये नहीं फॉर्मेशन हो रहा है तो नहीं होगा। आइए इसको शॉर्ट में बता दूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज, आई एम यूजिंग वर्ड ऑलवेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एज वेल एज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जहां भी प्रोडक्शन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट का हो और उनका फ्यूजन हो वहां पे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके हो गया बच्चों, अब आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी तरह का जो गैमेट होता है, ध्यान दीजिएगा बात, सेक्सुअल गैमेट, उनका ना तो प्रोडक्शन होगा और ना ही फ्यूजन होगा। तो क्या बोल सकते हैं, हियर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एज वेल एज फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चों वहां पे क्या होगा, वहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट से जाइगोट बनेगा, लेकिन यहाँ पे जाइगोट नहीं बनेगा। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, बहुत सारा बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो। पहला तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या, नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल गैमेट, नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल गैमेट, और जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसमें और भी लिख सकते हैं, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, क्या लिख सकते हैं बच्चों, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। और चूंकि जब गैमेट का ही फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बच्चों वो कैसे होता है, वो हमेशा होता है बताओ फ्यूजन ऑफ गैमेट से। तो इसमें एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट। अब आइए, अब ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये क्या इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जैसे प्लांट, हम किसी भी प्लांट को ले ले, प्लांट के पार्ट को ले ले, तो प्लांट के पार्ट को हम लोग जब बांटेंगे ना तो हम लोग को दो तरह का पार्ट मिलेगा। अगर हम कोई भी प्लांट ले ले बच्चों और इसके पार्ट को बांटे तो दो तरह का पार्ट में हम लोग इसको बांट सकते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा सेक्सुअल पार्ट। चलिए एज फॉर अगर हम कोई भी प्लांट लेते हैं, कोई भी, अगर उसके हम लोग वेजिटेटिव पार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। और अगर सेक्सुअल पार्ट का बात करेंगे तो ये तो फ्लावर ही होगा ना, फ्लावर के अंदर ही ना होता है मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, तो कहीं भी अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू हो, रूट, स्टेम और लीफ अदर देन सेक्सुअल पार्ट, तो इस तरह के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आया बात समझ में, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व आइदर रूट, शूट, लीफ्स, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट ऑलवेज इन्वॉल्व वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर है, और हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे, होप कि बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।